नमस्कार। सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, मगर इस एडिक्शन का स्केल क्या है, दुनिया पर इसका कितना बड़ा प्रभाव है, क्या आप ये एडिक्शन छोड़ सकते हो, और अगर नहीं तो क्या आप इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, आओ इसी पे बात करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी जनता के लिए एडिक्शन बन चुका है, जिसे वो चाहे या अनचाहे अपना चुके हैं अपनी डेली लाइफ की हैबिट में। मगर सबसे पहले देखते हैं कि इस एडिक्शन का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम बात करें, रफली पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और इसमें तकरीबन 4.2 बिलियन लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा। ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो साल दर साल 1% की दर से बढ़ती है, मगर सोशल मीडिया पर आने वाले यूज़र्स 13% की दर से बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फेसबुक, YouTube, Instagram, Twitter, इनके मंथली एक्टिव यूजर्स बिलियंस और मिलियंस में हैं। तो इसका स्केल तो समझ में आता है कि बहुत बड़ा है। नाउ आई एग्री, सारे लोग एडिक्ट नहीं होंगे, बट ये समझ में आता है कि इनमें एडिक्ट्स की संख्या का भी स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि एडिक्शन है क्यों? अगर आप बाई डिज़ाइन देखें तो सोशल मीडिया आपको एडिक्ट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसको डिज़ाइन ऐसे करा गया है कि जब आप रिफ़्रेश करो तो कोई नया कंटेंट निकल कर आए, जिसके लिए आप बार बार रिफ़्रेश करते रहो ताकि आपको कोई एक नया कंटेंट मिले। हो सकता है हर बार वो रिफ़्रेश करने के बाद आपको वो कंटेंट ना मिले जो आप चाहते हो, बट उसी एंटिसिपेशन में आप बार बार वापस आते हो और बार बार रिफ़्रेश करते हो। ये बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह है, गैम्बलिंग की तरह है। ये आपके माइंड को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वैसा डिज़ाइन बनाया गया है। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट अटेंशन, यू मस्ट नो कि आपकी जो अटेंशन है उसकी एक पूरी की पूरी इकॉनमी है। बहुत सारे लोगों के बीच में इस बात का कॉम्पिटिशन है कि कैसे आपकी अटेंशन को कैप्चर किया जाए। इवन ये वीडियो जो आप देख रहे हो, मेरा भी मोटिव यही है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपकी अटेंशन से मुझे फ़ायदा होगा। और इस अटेंशन के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बल्कि प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले और पावर्स इसके पीछे लगे रहते हैं। मसलन ट्विटर पर आप डेली आउटरेज देखते हो, इस आउटरेज के पीछे एक मशीनरी है जो कहीं ना कहीं इसमें पैसा पंप करती है, कहीं ना कहीं अपने लोग एम्प्लॉय करके रखती है ताकि रोज़ एक नई आउटरेज मैन्युफैक्चर हो जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। अब ये समझ में आ गया कि आपकी अटेंशन सबको चाहिए, मगर ये आपका धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और आप उसे छोड़ना चाह रहे हो। रफली इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे हो कि कैसे सोशल मीडिया के एडिक्शन को कम किया जाए, यू एंड मी बोथ अग्री कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी है। अब इस बात को ये सोचना कि आप सोशल मीडिया छोड़ सकते हो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा और मुश्किल होता चले जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्टिसिपल बनता जा रहा है। तो अब मैं आपको एक दूसरे लहजे में सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप कैसे सोशल मीडिया का फ़ायदा खुद के लिए उठा सकते हो। आप उस साइड बैठे हो ना स्क्रीन के, कम दिस साइड, बिकम पार्ट ऑफ अ क्रिएटर इकॉनमी। आप देखो ना, मिस्टर बीस्ट बर्गर, एमा चैम्बरलेन कॉफ़ी, MKBHD आइकॉन्स, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी अपने अपने ब्रांड्स शुरू हो गए हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आप वो नहीं कर सकते, हम सारे लोग वो नहीं कर सकते फॉर श्योर, बट यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट क्रिएटर इकॉनमी। एंड अगर आप डायरेक्टली क्रिएटिव नहीं बनना चाहते तो आप इनडायरेक्टली उस क्रिएटर इकॉनमी का पार्ट बन सकते हो। बी पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिव प्रोसेस। लुक अराउंड योरसेल्फ, किस चीज़ की डिमांड अभी ज़्यादा है? लोग वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं क्योंकि वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ चुके हैं। लोग ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंटेंट, जो ग्राफिक्स है, वो भी सोशल मीडिया पर बढ़ चुका है। UI UX डिज़ाइन की ज़रूरत है, वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ऐप डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट बीइंग क्रिएटेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसका आप पार्ट बन सकते हो। तो जहां आप उधर बैठकर अपना टाइम लगा रहे थे, अगर आप इस साइड आकर अपना टाइम लगाओगे तो उसी सेम चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है। बट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्रूली ग्लोबल कल्चर, और ये सारी चीज़ें ग्लोबली डिमांड में हैं, एक सवाल जो आप सबके मन में आ सकता है वो ये कि भाई हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं? हमें तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमें तो शर्म आती है, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम अगर ये स्किल सीख भी लेंगे तो हमें काम कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको अपने इंग्लिश और कम्युनिकेशन पर भी काम करना होगा, और उसके लिए आप कैम्बली की मदद ले सकते हैं। कैम्बली हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। कैम्बली दरअसल भारत का एकमात्र 1-to-1 ट्यूटर एप्लीकेशन है, जहां पर आप ऑनलाइन जाकर US, UK, कनाडा, यहां के लोगों से इंग्लिश सीख सकते हो। यहां पर ये ट्यूटर्स आपको जज नहीं करते,
और आप कभी भी इस ऐप को खोलो, आप 24/7 किसी ना किसी ट्यूटर को देख सकते हो। आप उनकी प्रोफाइल देखो, उनकी हिस्ट्री देखो, वो कैसा पढ़ाते हैं, उनको कितनी रेटिंग मिली, और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये आपको नई बोलना भी सिखाएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, और अगर आपको टूटी फूटी आती है तो बिना जज करे आप इनके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैंने भी एक ऐसे ट्यूटर से बात करी थी, आप उसके कुछ पार्ट अभी सुन लीजिए। It's a fantastic platform. I've taught on many different sites, and it's really great to be able to speak to people from all over the world. I regularly talk to people from Saudi Arabia, Turkey, Brazil, Japan, and China. But I'll tell you the truth, I've never talked with anybody from India. So, yeah. इनके प्लेटफॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ट्यूटर्स हैं अलग अलग कंट्री से, तो आप मनपसंद ट्यूटर को सेलेक्ट करो, और उसके साथ साथ आप कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि IELTS हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस इंग्लिश हो गई, तमाम सारे कोर्सेज हैं, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप इस चैनल के मेंबर हो, आपके लिए एक स्पेसिफिक डिस्काउंट है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाओ और कूपन कोड यूज़ करो 25AOL, तो किसी भी 3 महीने वाले प्लान में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एक तीसरे तरह के लोग आएंगे, एक तीसरे तरह का सवाल आपके मन में आएगा कि आप एडिक्शन नहीं छोड़ सकते, आपको क्रिएटिव प्रोसेस का भी पार्ट नहीं बनना, फिर आप क्या करें? आपके लिए एक नए तरह का सुझाव है, और ये सुझाव मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जनता के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर रहना चाहते हो, तो अभी इस समय आपने जितने भी चैनल फॉलो कर रखे हैं, आपने जितने भी फेसबुक अकाउंट पेजेस फॉलो कर रखे हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर रखा है, ट्विटर पे फॉलो कर रखा है, उनको एक बार जाकर देखो, और सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या इस जगह पर अवेलेबल कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करती है? हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी हों जिसे आप रख सकते हो, बट ये सवाल अब ज़रूर पूछना कि क्या कोई वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो रहा है। क्योंकि इफ़ एनी वे इफ़ यू आर वेस्टिंग और यूजिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, वाई नॉट लर्न समथिंग? तो ट्राई करो उनको सॉर्ट करने की इस बेसिस पर कि आप वहाँ पर कुछ नया सीख सको, और ये कोशिश करो कि जो आउटरेज इकोनॉमी चल रही है, जो आपकी आउटरेज को हार्वेस्ट करके रोज़ लोग ट्रेंड चला रहे हैं, उससे अपने आप को बाहर खींचो। और अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो पॉलिटिक्स से हटकर पॉलिसी पर ध्यान लगाओ, ऐसी चीज़ों पर बात करो और ऐसी चीज़ों पर खुद को एजुकेट करो जिससे आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। नॉर्मल डे टू डे पॉलिटिक्स की, एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन से क्या कहा, या इस पार्टी ने उस पार्टी के अगेंस्ट क्या यूज़ करा, उससे आगे बढ़कर देखो कि कौन सी पॉलिसी देश में आई और उससे आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा, और इस पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। शायद इससे आपका एक पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट होगा, और ओवरऑल भी बाकियों के लिए भी जो नॉइज़ इतना क्रिएट होता है सोशल मीडिया पर, वो भी धीरे धीरे से कम होगा। आई होप आपको मेरे कुछ सजेशंस यहाँ पर अच्छे लगे होंगे, और आपके कुछ टेक अवेज या कुछ इनमें से आप ज़रूर अपनाओगे। दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज अहेड। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करें इस चैनल को, नीचे ज्वाइन बटन है, या पेट्रियन और इंस्टा मोजो के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, कैम्बली पर आप जाकर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, 25AOL कूपन कोड यूज़ करिए, 25% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी 3 मंथ प्लान। चलिए मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।